यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों की ना बाइकों के तेल की पेट्रोल की चोरी हुई है, और उसमें से अपनी विक्टम है ना सेनोरिटा भी है, जिसमें कि उसके साथ भी ये वारदात हुई है कि उसका भी पेट्रोल चुराया गया है आज। टंकी खोल के देखें कुछ है भी बचा कि नहीं बचा इसमें, कभी टंकी में कुछ भी ना हो पेट्रोल। तो गाइस मिल गया अपना फ्यूल पाइप, अब चलते हैं बाइक में लगवाते हैं। वेलकम बैक टू दी चैनल गाइज, आप देख रहे हैं एक्सलेंट राइडर। और अभी का सुबह का सीन मैं आपको बताते हुए, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है और कैसे बताऊँ ये सोच रहा हूँ, मगर आज है ना थोड़ा बैड न्यूज़ है अपने लिए। सुबह सुबह मेरे यहाँ पर अभी गली में यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों की ना बाइकों के तेल की पेट्रोल की चोरी हुई है, और उसमें से अपनी विक्टम है ना सेनोरिटा भी है, जिसमें कि उसके साथ भी ये वारदात हुई है कि उसका भी पेट्रोल चुराया गया है आज। तो अभी का सीन देख लो, अभी टाइम मैं बता दूँ 12:57 हो रहे हैं, और अभी मैं रूम पे ही हूँ अपने। वो इस वजह से नहीं गया हूँ क्योंकि अभी सुबह सुबह ही मुझे बैड न्यूज़, और अब मुझे जाके नीचे देखना पड़ेगा बाइक में कि बाइक में अपनी गाड़ी में पाइप काटा गया है, यानी कि पाइप निकाल दिया हो चोरों ने, पाइप काटा कैची से कट लगाया हो या ब्लेड से मुझे नहीं मालूम। नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं यहाँ पे जो रात में घूमते हैं, ठंड में तो सब लोग घर में हो जाते हैं, मगर क्या करते हैं ये लोग साला रात में ही फील्डिंग बिछाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन है कि नहीं है गली में, जब सुनसान रहती है गली तब ये कांड करके चले गए हैं। और सुबह मेरे जो लैंडलॉर्ड है हमारे का फोन आया था, तब मेरा फोन स्विच ऑफ था, कल बैटरी डाउन हो गई थी तो मैंने खाली प्लग करके अपना फोन रख दिया था। तो अब सुबह 11:30 बजे मैंने ऑन किया, तब मैसेज पे मैसेज आया, कई लोगों ने फोन किया था, तो पापा ने भी किया था क्योंकि आज मुझे नोएडा भी जाना है, और सुबह सुबह अभी बहुत सारा सामान लेने हैं मेरे को, आगे दुकान पे जाना पड़ेगा, दुकान से फिर घर के लिए कुछ सामान वामान है वो पापा भिजवाएंगे दुकान से, तो मुझे अभी निकलना था और ये कांड हो गया है। और मेरे को आज चैन भी क्लीन करनी थी, बहुत सारे काम थे जो कि मुझे करने थे, अब वो ये पेट्रोल चोरी होने की वजह से अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अभी मेरे को जाके देखना है टंकी में एक बूंद है भी कि नहीं है, पेट्रोल पंप तक जाएगी या फिर यहाँ पे लोकल पेट्रोल बेचते हैं शॉप पे, तो उनसे ही मेरे को पेट्रोल लाना पड़ेगा, थोड़ा महंगा ही पड़ेगा मगर क्या करें लेना पड़ेगा। आधा लीटर पेट्रोल उनसे ले लूंगा, 60 रुपए का देगा आधा लीटर, मगर जाकर लेकर तो आना पड़ेगा। तो चलो अभी जाके आगे देखते हैं अपनी बाइक में हुआ क्या है एक्चुअल में। और अभी मैं व्लॉग इसी पर्पज से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो गली में ठंड में आप बाइक खड़ी करते हो तो बीच बीच में ना आपको निकल के देखना पड़ेगा, मगर कितना निकले बंदा ठंड में से, रजाई में घुसने के बाद तो निकलता नहीं है बंदा, और इसी चीज का चोर फायदा उठाते हैं। तो अभी चलो नीचे चलते हैं, बाहर जाके देखते हैं आगे ये हुआ क्या हमारी गली में, जो कि ऐसे ऐसे सारी गाड़ियों की चोरी हुई है पेट्रोल की, कोई जग ही नहीं रहा था रात में, मतलब एक आध जना भी अगर चौकन्ना होता तो देख लेता कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ लोग अननोन बंदे घूम रहे हैं चोरी कर रहे हैं, सारी गाड़ियों में एक लाइन से निकाला गया। मैं अभी कह रहा कि मैं वाला खाली मेरी गाड़ी में हुआ है क्या चोरी, मैंने जो लैंडलॉर्ड है हमारे उनसे पूछा मैंने ये खाली मेरी गाड़ी में ही हुआ है या फिर सभी की गाड़ी में हुआ, तो कह रहे आप ही की गाड़ी में नहीं सभी की गाड़ी में हुआ है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो कोई भी गली में आएगा और चोरी करके निकल जाएगा, आप रात में ठंड में घर में रहते हैं, तो कह रहे नहीं हम उसके लिए अब करेंगे कुछ जुगाड़ के, मतलब जिससे कि कोई घूमता हुआ दिख जाए तो भाई घर में से नजर रख सके, हम कैमरा वैमरा लगा के घर में से बाहर से नजर रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि आप बाहर भी लगाओ कैमरा, जब गाड़ी वाड़ी खड़ी होती है हमारी, आपकी भी गाड़ी है हमारी भी गाड़ी है सभी की गाड़ी है, तो सिक्योरिटी तो होना जरूरी है। तो चलो अभी आगे जाके देखते हैं। बेचारी हमारे सेनोरिटा का टूटी है ना, भैया नहीं बंद करा था, कह रहे थे टपक रहा था पेट्रोल थोड़ा थोड़ा करके, तो मैंने सुबह देखा तो मैंने टूटी बंद करी, मैंने आपको फोन करा कि आप एकदम से इमरजेंसी से निकलोगे तो देखोगे पेट्रोल नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, तो मैं बोला हाँ आपने सही करा फोन कर दिया था। तो अब जाके मैं उठाऊँ तो मैंने रेडी वेडी होकर नाश्ता कर लिया, डाटा ट्रांसफर कर रहा था गोप्रो का इसमें लैपटॉप में, यहाँ पे डाटा केबल रखी है तो ये ट्रांसफर हो रहा था अपना डाटा। और अब चलो नीचे चल के देखते हैं हुआ क्या है और एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है अपना, पूरा ही तेल खत्म है कि अब कार्बोरेटर में तो होगा कि वहां तक चली जाए दुकान तक और दुकान से मैं पेट्रोल डलवा लूं, मगर पाइप लगना मेन चीज क्या है, पाइप लगेगा कि नहीं लगेगा टूटी के अंदर, वो चीज सबसे बड़ी मेरे लिए टेंशन हो गई है। और अगर नहीं लगा होगा तो नहीं लग पाया तो फिर मेरे को पाइप खरीदना ही पड़ेगा, पाइप खरीदने के लिए मुझे पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा दुकान पे। तो चलो गोप्रो से ही शूट करूंगा और देखते हैं क्या हिसाब किताब है बाहर का, ठीक है। तो गाइस अभी है मैं सॉक्स वॉक्स पहन रहा हूँ, जूते वूते पहन के बाहर चलते हैं और जाके देखते हैं क्योंकि बाहर हो रही ठंड, कोहरा हुआ हुआ है पूरा बहुत अच्छे तरीके से, तो पैक होके ही चलते हैं। चलो चलते हैं बाहर। तो गाइस अब जाके नीचे देखते हैं यहाँ पे हुई है इस गली में पूरी यहाँ से वहाँ तक चोरियाँ, अब जाके देखता हूँ क्या है नीचे हिसाब किताब।
अपनी बाइक के साथ किया क्या? अरे भयंकर, देखो बोतल रखने के लिए ये टेक्निक लगाई है और यहाँ से पाइप आटा गया है पूरा, ये देखो नहाया हुआ है मेरे बाइक का इंजन, और यहाँ पे बोतल रख के इन्होंने भरा है। ये देखो गाड़ी का क्या हाल कर रहा है। यहाँ तक आएगा? मुझे तो नहीं लग रहा ये पाइप आ पाएगा, क्योंकि ये पाइप यहाँ से कट मारा है। ये देखो यहाँ से कट मारा है भंगियों ने। ये देखो क्या किया है यार, क्या किया है। थोड़ा सा भी आ जाए तो हो जाएगा मेरा काम। बताओ पूरा ही पेट्रोल चुरा लिया मेरी गाड़ी का, थोड़ा बहुत भी छोड़ देते तो काम तो हो जाता मेरा। देखता हूँ घुस जाता तो अच्छी बात है, घुस तो रहा है। अरे यार मैं कपड़ा भी तो नहीं लाया, पोछना तो पड़ेगा। टंकी खोल के देखें कुछ है भी बचा कि नहीं बचा इसमें, कभी टंकी में कुछ भी ना हो पेट्रोल। बस तो रहा है, थोड़ा बहुत तो बचा है। पता है कितना पेट्रोल चोरी हुआ है मेरा? कम से कम 400 रुपये का तेल चोरी हो गया। 3 लीटर से ऊपर मेन में थी गाड़ी, 3 लीटर तो रिजर्व है मेरी गाड़ी का। ये अच्छा है कुछ गाड़ी चोरी नहीं हुई, पेट्रोल ही चोरी हुआ है। मैं तो इसमें भी पॉजिटिव पॉइंट ही सोच रहा हूँ। गियर पे यार, कल 200 किलोमीटर चला के आया था मैं गाड़ी, कल मैं ट्रिप ज़ीरो कर रहा हूँ, हो गया ट्रिप ज़ीरो। इसकी चेन क्लीन करनी, चेन हो रही है टाइट, चेन टाइट हो रही है, इसका कार्बन क्लीन करना है मुझे। डीजल लेकर आया था मैं, यहाँ से पेट्रोल तो नहीं टपक रहा, ये देखना है। अगर टपक रहा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी अपने लिए। ज़्यादा देर स्टार्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि बस खाली ऑयल चेक क्लीन करना है इसका। क्लीन करता हूँ मैं आगे स्प्रे मार के। यहाँ पे मैंने डीजल रख रखा है, ये अपनी डीजल की स्प्रे बोतल है, इससे चेन तो क्लीन कर ले कम से कम। Moments later. आज कोई मोटो व्लॉगिंग नहीं हो रही है, आज है ना पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ, पेट्रोल डलवा रहा हूँ अपनी बाइक पे। पेट्रोल डलवाते हैं और फिर यहाँ से जाएंगे पापा की दुकान पे। देखिए सर अगर फ्यूल पाइप हो तो तो बता दे, पेटीएम मंगवाना है कैसे? यार 8 रुपये का है भाई, 18 रुपये का है। तो गैस मिल गया अपना फ्यूल पाइप, अब चलते हैं बाइक में लगवाते हैं। पेट्रोल पाइप चेंज हो रहा है अपनी बाइक का, 18 रुपये का पाइप आया, बाकी भाई को दे देंगे 10 रुपये लगाने के। भाई ने पेट्रोल बंद नहीं करा था, पेट्रोल निकल गया थोड़ा और, धुल गया इंजन।
इसमें ना वही लगाना पड़ेगा मुझे ताला, तब जाके ये BS6 की चोरी नहीं हुई, इसी की हुई है खाली, जो कार्बोरेटर में लगा हुआ था। सब यही कह रहे हैं BS6 वाली गाड़ियों से तेल निकाल ही नहीं पाए वो, उसमें से नहीं निकल। ₹10 दो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।